नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 का मैच नंबर 49 खेला जाएगा 4 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के आईपीएल रिकॉर्ड्स क्या हैं। वहीं पर इस मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट क्या है और इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। तो इस एक वीडियो में आपको यह सभी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप आईपीएल मैचेस की एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शंस पाना चाहते हो तो आप एक बार सिकंदर भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका काम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी काफ़ी सटीक होती हैं। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आपका ये लॉस काफ़ी जल्दी प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट करके ज़रूर देखें। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के मैच नंबर 49 के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी है, जहां पर मैच के दौरान मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 30°C देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि इवनिंग के टाइम जब यह मुकाबला होगा तब 26°C फोरकास्ट किया गया। और दोस्तों ये भी फोरकास्ट है कि मैच के दौरान काफी ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेंगी, लेकिन आपको यह मुकाबला बिना किसी इंटरप्शन के पूरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों इस मैदान पर आईपीएल के 47 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 24 मैचेस जीते हैं जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 23 मैचेस जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 162 रन का है। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2022 के अभी तक 9 मैचेस इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मैचेस जीते हैं जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 173 रन का रहा है। तो दोस्तों आप ओवरऑल रिकॉर्ड, इसके अलावा आईपीएल 2022 के रिकॉर्ड से एक बात साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही ज्यादा एडवांटेज भी मिला है। वहीं पर अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर लें तो जहां पे आपको एक तरफ ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो 160 के आसपास नजर आ रहा है, वहीं पर जो आईपीएल 2022 के मैचेस खेले गए हैं वहां पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 173 रन का है। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस है वो फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी रहती हैं और आईपीएल 2022 के जो 9 मैचेस खेले गए हैं वहां पर ज्यादातर मैचेस में आपने जो स्कोर है वो 160 और 170 के आसपास ही बनते हुए देखे हैं फर्स्ट इनिंग्स में। हालांकि 2 मैचेस में ये जो स्कोर है वो 200 के ऊपर भी गया था। जो पिछला मैच इस मैदान पर खेला गया था सीएसके और एसआरएच के बीच में, वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 200 रन के ऊपर बनाए थे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी 210 रन इस मैदान पर बनाए थे, लेकिन जो बाकी के मैचेस हुए हैं वहां पर जो स्कोर है वो मैक्सिमम जो है वो 170 और 180 के आसपास ही बनता हुआ नजर आया है। और इस मुकाबले में भी दोस्तों मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको 175 से 185 के बीच में बनाते हुए नजर आ सकती है। और दोस्तों अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाता है तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो टीम फिर स्कोर को डिफेंड करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस मैदान पर सेकंड इनिंग्स में चेस करना वानखेड़े स्टेडियम और डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सेकंड इनिंग्स में उतनी ड्यू भी नहीं आती है तो जो तेज गेंदबाज हैं वो दूसरी इनिंग्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं और स्कोर चेस करना जो बड़ा स्कोर है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस मैदान के ओवरऑल आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो जो हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर बना है वो सीएसके की टीम ने बनाया था 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो किंग्स 11 पंजाब की टीम का है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 73 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर चेस हुआ है वो गुजरात लायंस की टीम ने किया था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 196 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो एसआरएच की टीम ने किया था पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 119 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस मैदान के ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लें तो 150 से नीचे स्कोर आपको टोटल 11 बार देखने को मिला है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 18 बार स्कोर किया। वहीं पर 170 से 189 के बीच में आपको 11 बार स्कोर देखने को मिल चुका है, जबकि 190 के ऊपर स्कोर टोटल 7 बार बन चुका है। तो दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न भी आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर है वो मैक्सिमम आपको 150 से 170 के बीच में ही बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन यही है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको 170 के ऊपर बनाते हुए नजर आ सकती है, वो 175 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। और अगर टॉस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर यकीन है कि जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर अभी मैचेस खेले जा रहे हैं पिछले 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीते हैं, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है स्कोर को चेस करने में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो IPL 2022 के जो अभी तक 9 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 79 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 26 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं, जहां पर दोस्तों राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 15 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 5 विकेट मिले हैं, जबकि राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों आप इन स्टैट से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि MCA पुणे की जो पिच है वो तेज गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुई है और फास्ट बॉलर्स ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है इस पिच पर गेंदबाजी करना, क्योंकि दोस्तों तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर्स में काफी हेल्प रहती है दोनों इनिंग्स में। और जो पिछले कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर हमने ये देखा है कि सेकंड इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स, और वहां पर दोस्तों तेज गेंदबाज इसीलिए ज्यादा विकेट्स भी आपको चटकाते हुए नजर आ रहे हैं। जो पिछला मुकाबला इस पिच पर खेला गया था CSK और SRH के बीच में, वहां पर हमने देखा था कि उस मैच में कुल 8 विकेट्स गिरे थे जिसमें से 7 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए थे और जो फास्ट बॉलर्स के ज्यादा विकेट्स हैं वो सेकंड इनिंग्स में ही आए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दूसरी पारी में तेज गेंदबाज ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, हालांकि पहली पारी में भी तेज गेंदबाजों का जलवा आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो स्पिनर्स का रोल अभी ज्यादा इस पिच पर हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स थे उनको थोड़ी बहुत सफलता इस पिच पर मिली है और इसलिए उन्होंने अभी तक 15 विकेट्स इस पिच पर चटकाए हैं। तो स्पिनर्स में आप राइट आर्म लेग स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां पर फास्ट बॉलर्स का ही बोलबाला रहने वाला है। इसलिए दोस्तों मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखनी चाहिए कंपेयर टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन या फिर 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को भी रख सकते हैं या फिर 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, और दोस्तों वो स्पिनर लेग स्पिनर होना चाहिए। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो दोस्तों CSK की टीम ने IPL 2022 में अभी तक 9 मैचेस खेले जिसमें से 3 मैच जीते हैं, जबकि 6 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 6 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पर मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए दोस्तों हर मैच यहां से डू और डाई का रहने वाला है अगर इन्हें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर वो एक मुकाबला भी यहां से हार जाते हैं तो फिर वो प्लेऑफ्स की दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था जहां पर उन्होंने स्ट्रांग और इनफॉर्म टीम सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, जहां पर CSK के बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, 202 रन बोर्ड पर लगाए थे, डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारियां खेली थी। और उसके बाद दोस्तों गेंदबाजी की बात की जाए तो ड्वेन ब्रावो के न होने के बावजूद भी उस स्कोर को सक्सेसफुली डिफेंड किया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि CSK की टीम इस मुकाबले में भी उसी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, हालांकि दोस्तों एक बदलाव इनकी प्लेइंग 11 में हो सकता है, क्योंकि ड्वेन ब्रावो अगर इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं तो फिर वो यहां पर मिचेल सैंटनर को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर टीम मोइन अली के साथ भी जा सकती है जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा दोस्तों CSK की टीम में आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डिवॉन कॉनवे, नंबर 3 पर आ सकते हैं रॉबिन उथप्पा, नंबर 4 पर अंबाती रायडू, नंबर 5 पर कैप्टन एंड विकेटकीपर MS धोनी, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर मोइन अली या फिर ड्वेन ब्रावो या मिचेल सैंटनर में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 8 पर ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 9 पर महेश थिक्षाना, नंबर 10 पर सिमरजीत सिंह और नंबर 11 पर मुकेश चौधरी आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि RCB की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों RCB की टीम ने IPL 2022 में अभी तक 10 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैचेस जीते हैं, जबकि 5 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 10 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पर मौजूद है। RCB की टीम के लिए दोस्तों हर मैच अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट हो गया है प्लेऑफ्स को ध्यान में रखते हुए। हालांकि पिछला मुकाबला
आरसीबी की टीम गुजरात टाइटंस के हाथों हार कर आ रही है, जहां पर दोस्तों इनके बल्लेबाजों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और दोस्तों बल्लेबाजी जो है वो इनके लिए काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो इनके कप्तान है फैफ डुप्लेसी, उनके बल्ले से भी काफ़ी समय से लंबी पारी हमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने रन्स ज़रूर बनाए थे, लेकिन उस पेस और स्ट्राइक रेट्स नहीं बनाए थे जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। बाकी दिनेश कार्तिक भी अब उतनी पहले वाली फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में रजत पाटीदार ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अगर इनके गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वानिंदु हसरंगा, जॉर्ज हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, ये सारे जो गेंदबाज हैं वो लगातार विकेट छटका रहे हैं। लेकिन दोस्तों बैटिंग लाइनअप जो है उसे अब स्टेपअप करना होगा और रन्स बनाने होंगे, तो आपको इनकी प्लेइंग 11 जो है वो मेरे ख्याल से अनचेंज्ड ही नज़र आएगी। ज़्यादा बदलाव आपको ये करते हुए नज़र नहीं आएंगे। जहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं कैप्टन फैफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली, नंबर 3 पर आ सकते हैं रजत पाटीदार, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर शाहबाज अहमद, नंबर 6 पर महिपाल लोमरोर, नंबर 7 पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से इस मुकाबले में नजर आ सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच की प्लेयर बैटल की। तो दोस्तों जो प्लेयर बैटल आपको इस मुकाबले में देखने को मिल सकती है वो हो सकती है ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस रविंद्र जडेजा, क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े काफी ज्यादा खराब है। अभी तक इन दोनों का आमना सामना आईपीएल में 13 बार हुआ है, जहां पर जडेजा ने मैक्सवेल को 7 बार आउट किया है और मैक्सवेल का जो एवरेज है जडेजा के खिलाफ वो मात्र 10.1 का है। तो इससे आप फेयर आइडिया ले सकते हो कि मैक्सवेल जो है वो जडेजा के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, मतलब रन भी नहीं बना पाते हैं और जडेजा उनको लगभग हर बार आउट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाले हैं मैक्सवेल के खिलाफ, और मुझे लगता है कि धोनी ज़रूर बॉल देंगे जडेजा को जब मैक्सवेल बैटिंग करने आएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से फैफ डुप्लेसी को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 278 रन स्कोर किए हैं 28 के एवरेज और 126 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप दिनेश कार्तिक के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 218 रन बनाए हैं 54 के एवरेज और 195 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप सीएसके की टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले मैच में शानदार 99 रन की नौक खेली थी, पिछले 10 मैचेस में 269 रन बनाए हैं 27 के एवरेज और 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप रॉबिन उथप्पा के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 259 रन स्कोर किए हैं 29 के एवरेज और 147 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। तो अगर हम सबसे पहले आरसीबी के बॉलर्स की बात कर लें तो यहाँ से आप राइट आर्म लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा के साथ जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 15 विकेट्स चटका चुके हैं 8 की इकॉनमी और 13.60 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप जॉर्ज हेजलवुड को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 6 मैचेस में 10 विकेट्स चटकाए हैं 7.64 की इकॉनमी और 13.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप सीएसके की टीम की तरफ से ड्वेन ब्रावो को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो अगर वो ये मुकाबला खेलते हैं तो, पिछले 9 मैचेस में 15 विकेट चटकाए हैं 8.55 की इकॉनमी और 13.46 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप मुकेश चौधरी के साथ भी जा सकते हो, ये भी काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले 8 मैचेस में 11 विकेट चटका चुके हैं 9.82 की इकॉनमी और 15.54 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर दोस्तों आप सीएसके की टीम की तरफ से ऑफ स्पिनर महेश थिक्षाना को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आईपीएल 2022 के मैच नंबर 49 के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और कौन सी टीम आईपीएल 2022 का ये मुकाबला जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आप 16 नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।